you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. हाय गाइस, मैं हूं पवन कुमार फ्रॉम श्री जीएमडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस, मैं आपको बता देता हूं, आज जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही फ्रेश वीडियो है ये। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें 2 BHK का फ्लैट चाहिए, जो कि नियर अबाउट मेट्रो स्टेशन की मैं बात करूँगा। अगर मैं यहाँ से आपकी मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो मेट्रो स्टेशन की जो दूरी रहेगी यहाँ से तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी पे आप जो है मेट्रो स्टेशन पे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। एलिवेशन आपने स्टार्टिंग की क्लिप में देख ही लिया है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2 BHK का फ्लैट, जो कि बहुत ही सुंदर फ्लैट बनाया गया है। इंटीरियर वाइज भी देखोगे, क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूँ बिल्डिंग की, तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर डिज़ाइन करा है। तो 2 BHK का फ्लैट है, इसमें फ्रंट साइड और रियर साइड, मतलब दोनों साइड हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। और जो है दोनों तरफ हमने ये आपको स्टार्टिंग में गेट भी लगा के दें। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बताया था इस लोकेशन के बारे में, फिर हमने फ्लैट भी देखना है ऊपर चल के। तो लोकेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये जो लोकेशन है बी ब्लॉक रामा पार्क मोहन गार्डन उत्तम नगर न्यू दिल्ली 110059। और गाइस, ये भी बता देता हूँ कि यहाँ से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा वो रहेगा आपका द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, जो कि तकरीबन 200 से 250 मीटर पे ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फ्लैट की तरफ। तो मैम, एंट्रेंस पे जैसे आपको दिख ही रहा है कि पूरा एंट्रेंस पे लोहे का गेट हम यहाँ पे आपको लगा के दे रहे हैं। पार्किंग में जब आप एंटर करेंगे तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इंटरकॉम फैसिलिटी है यहाँ पे, जितने भी फ्लैट्स यहाँ पे दिए गए हैं सभी के 1, 2, 3, 4 यहाँ पे फ्लोर्स हैं। तो आप यहाँ से बटन दबाएंगे और आपको जो है ईजिली गेट आप ऊपर से ओपन कर सकते हैं। तो गाइस चलिए, अब मैं आपको अपनी थोड़ा सा पार्किंग स्पेस के बारे में बता देता हूँ। गाइस, पार्किंग स्पेस में जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे BSES इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स की। मीटर्स BSES के यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिजली की यहाँ पर बात हो गई है। साथ ही साथ मैं बताता हूँ यहाँ पे आपका जो पानी का जो ऑप्शन है, पानी के लिए बोरवेल यानी कि आपका जो है समरसीबल भी यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे जो है दिल्ली जल बोर्ड यानी कि MCD का पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइस चलिए, पार्किंग स्पेस आप सबसे पहले पार्किंग स्पेस दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन एक बारी पार्किंग स्पेस आप दिखाइए। साथ ही साथ पार्किंग स्पेस के बाद मैं बात करूँगा पानी के कनेक्शन की। तो पानी के कनेक्शन यहाँ पे सेपरेट्स दिए गए हैं, बस आपने यहाँ पे अपने मोटर्स वगैरह लगनी है, पानी के कनेक्शन यहाँ पे लगने हैं और आपका पानी यहाँ पे चालू हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करूँगा लिफ्ट की, तो लिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल है। लिफ्ट हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं और लिफ्ट का एरिया आप देख सकते हैं। और लिफ्ट के साथ साथ अब हम चलते हैं स्टेयर्स के ज़रिए अपने फ्लैट पे। तो गाइस, जैसा कि स्टेयर्स आप देखेंगे, स्टेयर्स भी हमारी काफ़ी चौड़ी स्टेयर्स है। और स्टेयर्स के साथ साथ बताया था यहाँ पे आपको, हम यहाँ पे ग्रिल भी आपको यहाँ पे SS की ग्रिल है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में यहाँ पे लगाई गई है, ये भी हम आपको लगा के दे रहे हैं। सेकेंड थिंग दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सबसे खासियत बात इस बिल्डिंग की कि एक फ्लैट जो है आपका फ्रंट साइड में है, एक फ्लैट आपका रियर साइड में है, और वन स्लैब, मतलब कि अगर एक लेंटर पे मैं बात करूँ तो एक लेंटर पे 2 फ्लैट अवेलेबल है यहाँ पे। तो चलिए गाइज, मैं आपको जो है स्टेयर्स के जरिए ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाते हैं आप अपना फ्लैट। तो गाइज, अभी हम अपर ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और अपर ग्राउंड फ्लोर पे जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि हमारे पास 2 फ्लैट है, एक फ्रंट का है एक रियर का है। तो अभी मैं जो आपको फ्लैट दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको फ्रंट साइड का फ्लैट दिखाने वाला हूँ, और हम एंटर कर रहे हैं फ्रंट साइड के फ्लैट में। फर्स्टली जब मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्टली जब हम फ्लैट में एंटर करते हैं तो जो व्यू, जो यहाँ का व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं 3D लुक में फ्लावर्स के साथ में कस्टमाइज वॉलपेपर, ये जो है हमने यहाँ पे लगाया गया है, और ये जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इस लिविंग हॉल की जो प्रेजेंटेशन है बहुत बढ़िया इसको बढ़ा रहा है। अब साथ ही साथ बात करेंगे फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की। हॉल के अंदर अगर आप फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की बात करते हैं तो आप देखेंगे ब्लू कलर की कॉब लाइट यहाँ पे लगाई गई है, और हॉल का जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं। हॉल में आप इजीली जो है अपना सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं। साथ ही साथ टीवी कैबिनेट आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। टीवी कैबिनेट में
वाइट कलर की हमने जो है यहाँ पे एक्रेलिक शीट यहाँ पे यूज़ की है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी इंटरकॉम फैसिलिटी की, जो नीचे मैंने आपको दिखाया भी था जो सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी इंटरकॉम का ये जो है आपका यहाँ पे लगाया हुआ है। तो गाइज ये तो बात हो गई है हॉल की। हॉल के साथ साथ जो है हमने आपको एक ओपन किचन दिया गया है, बहुत ही शानदार किचन है और छोटी फैमिली के लिए हिसाब से ये फ्लैट जो है डिज़ाइन किया गया है। और तकरीबन मैं आपको बता भी देता हूँ, प्राइस फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, प्राइस जो रहेगा इस फ्लैट का 2 BHK 60 स्क्वायर यार्ड यानी कि 60 गज में बना हुआ है। फ्रंट साइड अगर आप लेते हैं तो 33 लाख रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा। दोस्तों प्राइस हमारा नेगोशिएबल है, जो भी अगर आप देखना चाहते हैं या कभी आना चाहते हैं तो आप फ्लैट को जो है लाइव देख सकते हैं। अगर आप रियर साइड का फ्लैट लेना चाहते हैं तो कीमत रहेगी तकरीबन 31 लाख रुपीज़ के आसपास। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ किचन की। तो किचन के अंदर आप देखेंगे ड्रॉर्स वगैरह में जो स्पेस दिया गया है, तो आप अपने जितने भी घर के जो आपके डब्बे वगैरह होते हैं दाल वगैरह के, तो वो आप इजीली यहाँ रख सकते हैं। चिमनी का ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम। बास्केट्स की मैं अगर बात करूँ तो आपको हम यहाँ पे बास्केट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि सब मेन होती है जी किचन के अंदर इनकी स्मूथनेस। अगर मैं इसकी स्मूथनेस की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया स्मूथनेस यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ छोटे छोटे 3 और बास्केट्स दी गई है, जिसमें आप अपने इजीली यहाँ पे क्रॉकरीज वगैरह अपने प्लेट्स वगैरह यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। सेकेंडली आपको यहाँ पे सिलेंडर के लिए भी हमने ऑप्शन दिया है, सिलेंडर आपका इजीली यहाँ पे आ जाएगा। सिंक का यहाँ पे ऑप्शन है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ड्रॉर्स वगैरह में भी स्पेस है काफ़ी, जो आप अपना सामान इजीली रख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया किचन है, एक पीसफुल लुक ये देता है किचन। बहुत सारे लोग कहते हैं जी फ्लैट के अंदर जो है फ्रिज के लिए कुछ ऑप्शन होना चाहिए, फ्रिज के लिए थोड़ी सी जगह निकलनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका इस स्पेस में आपका फ्रिज जो है, चाहे सिंगल डोर हो या डबल डोर हो, फ्रिज आपका यहाँ पे लग जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको जो है पॉइंट यहाँ पे आप अपनी वायर वगैरह का कनेक्शन कर सकते हैं। तो गाइज हॉल और किचन की बात करते हुए हम एक लॉबी से निकलते हैं और फर्स्ट बेडरूम में हम एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट बेडरूम की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो फर्स्ट बेडरूम बहुत ही सुंदर बेडरूम बनाया गया है। 2 बेडरूम में जो इंटीरियर आज मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया इंटीरियर है। वॉल पे आप ये डिज़ाइन देख रहे होंगे, ये जो डिज़ाइन है पीवीसी शीट होती है, ये इससे ये डिज़ाइन बनाया गया है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है आपका जो है, बेड इजीली लग सकता है। बेड के साथ आप अपनी जो है छोटी छोटी साइड टेबल्स लगा सकते हैं, उस पर लैंप रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन निकल के आया है सामने। और एसी का पॉइंट यानी कि स्प्लिट एसी आपका जो है यहाँ पे अपने ड्रेनेज पॉइंट और आपका एसी की फिटिंग आपको यहाँ दी गई है। बात करेंगे दोस्तों फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन एक यूनिक डिज़ाइन है, इस बार एक कुछ नया डिज़ाइन हम लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार और बढ़िया डिज़ाइन आप देख रहे होंगे। तो साथ ही साथ इस बेडरूम के अंदर आपको अलमीरा भी दे रहे हैं जी आपको लगा के। अलमीराज अगर आप देखेंगे तो अलमीरा की हाइट आप देखेंगे तो हाइट काफ़ी अच्छी अलमीरा की दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक आपको ड्रॉर का ऑप्शन दिया गया है, 3 छोटे छोटे आपको ड्रॉर दिए गए हैं जिसमें आप अपना रोज़मर्रा से रिलेटेड सामान आप इजीली रख सकते हैं। अपने कोई बुक्स वगैरह रखनी है या कोई भी सामान आपने यहाँ रखना है तो आप इजीली यहाँ रख सकते हैं। साथ ही साथ ये ऑप्शन आपको दिया गया है, अपने कोई टीवी वगैरह यहाँ लगाना है रखना है या कोई भी चीज़ आपने यहाँ रखनी है तो वही भी आप रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आज के इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बेडरूम में अगर हम बैठे हैं तो बेड के आसपास कोई आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट मिलना चाहिए ताकि आप इजीली अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सको। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की कमी नहीं है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेता हूँ मैं, अब जब हम फर्स्ट बेडरूम से निकलते हैं तो एक लॉबी का स्पेस आपको दिया गया है। लॉबी का स्पेस आप देख सकते हैं, इस लॉबी के स्पेस से जब हम निकलते हैं फ्रंट साइड में बिल्कुल आप देखेंगे तो ये जो आपका कॉमन टॉयलेट यहाँ पे दिया गया है, कॉमन टॉयलेट आप देख सकते हैं। कॉमन टॉयलेट की बात हो गई है, अब हम बढ़ रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम है हमारा, बालकनी के साथ अटैच है विद अटैच टॉयलेट हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप बेडरूम का आप साइज देख सकते हैं, जो इसका साइज है बेडरूम का साइज मैं आपको बता देता हूँ। साइज इसका तकरीबन रहेगा 10x12 के आसपास का इसका साइज रहेगा और आपको अटैच टॉयलेट यहाँ पे दिया गया है।
फॉल सीलिंग के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। इस बेडरूम के आप फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखिएगा, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया गया है। और एक बात और बताता हूँ, अभी यहाँ इस वाले बेडरूम में वॉलपेपर अभी नहीं लगा है, जो कि वॉलपेपर अभी लगना है, तो वॉलपेपर जो है अभी लगा नहीं है, वो लग जाएगा एक दो दिन में। साथ ही साथ बात कर लेता हूँ वेंटिलेशन की, तो वेंटिलेशन का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपको। हम यहाँ पे जो है ड्रॉर आपको यहाँ पे ये पल्ले यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें जाली वगैरह का यूज़ किया है, तो मच्छर वगैरह नहीं यहाँ पर आएंगे। और बाहर की तरफ से अगर आप देखते हैं तो बाहर की तरफ से भी हमने आपको यहाँ पे पल्ले दिए हैं, जिसमें आपका ग्लास लग जाएगा। तो गाइज, मास्टर बेडरूम की बात हो चुकी है। मास्टर बेडरूम में से जैसे कि मैंने वो बताया कि बालकनी जो है मास्टर बेडरूम से अटैच है, तो मास्टर बेडरूम में के साथ मैं बालकनी की बात कर लेता हूँ। बालकनी का स्पेस आप देखेंगे, बालकनी का स्पेस काफ़ी सफिशिएंट स्पेस दिया गया है। और साथ ही साथ बात करूँगा इलेक्ट्रिकल स्विचेज है, वॉशिंग एरिया आप इसको इजीली बना सकते हैं, टैब का प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है, नीचे आपका ड्रेनेज का पॉइंट अभी वो लग जाए मतलब हो जाएगा, वो हमने छोड़ दिया है ड्रेनेज का पॉइंट। तो गाइज, कुल मिला के मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो फ्लैट है 2 BHK में एक बहुत ही बढ़िया फ्लैट है, इंटीरियर वाइज हो, चाहे क्वालिटी वाइज हो, स्ट्रक्चर वाइज हो। मेन है लोकेशन, लोकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नियर अबाउट मेट्रो के जो है स्टेशन के, नियर अबाउट मेट्रो स्टेशन के फ्लैट सर्च कर रहे हैं। जो लोग रेगुलर मेट्रो से, जिनका आना जाना है, ऑफिसेज में आना जाना है, नाइट शिफ्ट होती है, रात को लेट आते हैं, तो ईजीली आप यहाँ से तकरीबन वॉकिंग भी अगर जाएंगे तो 5 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन ईजिली पहुँच सकते हैं। तो गाइज, आज की जो वीडियो है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।